यार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं VPL। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे 70070 की पावर सप्लाई है 1000 वाट में, उसी के बारे में ही मैं आपको इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले टोरॉइड की बात कर लेते हैं। तो आप इसके अंदर टोरॉइड देख सकते हो कि इसका साइज कितना है, और उसके बाद आप किस सारे टोरॉइड को देख सकते हो इसका साइज कितना है, और सबसे लास्ट में आप इसको देख सकते हो। अगर मैं साइड बाई साइड आपको कंपेयर करा के दिखाऊँ तो आप देख सकते हो काफ़ी हैवी कॉइन इसमें लगी। आप इसका ब्रिज भी देख सकते हो जो मेटल पे कसा हुआ है। तो चलिए हम इसको टेस्टिंग करके, मैं इसकी वायरिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट वायरिंग हो गई है। मैं आपको एक बार वायरिंग समझा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे पावर सप्लाई है, इस पर आप देख सकते हो कि ये वायर मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर कनेक्ट करूँगा तब आपको बता दूँगा। और यहाँ पर बेस टेबल की भी वायरिंग है। ये माइनस का येलो वाला माइनस का है, रेड वाला प्लस का, और काले वाला ग्राउंड। इसी तरीके से बेस टेबल में भी कर रखा है मैंने। और ये जो 0-12 है, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे ग्राउंड, ये भी इसी के अंदर जा रहा है 7805 चलाने के लिए बेस टेबल का। और यहाँ पे भी एक आप देख सकते हो 12 वोल्ट और ग्राउंड, ये 12 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये आपका जा रहा है इस वाले बोर्ड में इसके रिले ऑन करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर अभी 12 वोल्ट और ग्राउंड और आएगा इसके अंदर इस वाली सप्लाई में, जिससे कि हमारी ये सप्लाई ऑन होगी। 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है ये सप्लाई। और उसके बाद अगर इसके अंदर बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनपुट लगता है, यहाँ पे मैंने इनपुट लगा दिया है इसके बेस टेबल के आउटपुट से। आउटपुट के दोनों ये जो है पिन मैंने शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद ये देख सकते हो ये रिले ऑन करने के लिए हो गई। ये जो दोनों कनेक्टर होते हैं ये LED के लिए रहते हैं, आप देख पाओगे। मैं एक बार अलग अलग कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाओ कि ये देख सकते हो जो ये जो इस वाले कनेक्टर के साथ लगा हुआ है जो मेरे इस हाथ पे है, तो उसके साथ ये ग्रीन वाली लगती है, और दूसरे वाला जो साइड में कनेक्टर है उसके साथ रेड वाली लगती है। अगर आपकी LED नहीं ग्लो कर रही है तो आप एक बार पलट के लगा सकते हो। वैसे जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो दोनों अच्छी तरीके से चेक करके ही लगाते हैं। और चलिए अब इसके अंदर देख सकते हो प्लस माइनस ग्राउंड लिखा हुआ है। तो ये जो बीच वाली वायर है ये ग्राउंड कॉमन है, तो मैं बीच वाले पर ही लगा देता हूँ इसको। और उसके बाद ये देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है माइनस, जो ये अभी मेरे हाथ में है, तो माइनस वाली भी मैं माइनस पर लगा देता हूँ। और ये देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ प्लस, ये लास्ट प्लस की बच गई है। और सर्किट में भी यही चाहिए प्लस पे लिखा हुआ है। और उसके बाद रह जाता है स्पीकर का। तो स्पीकर का ये दोनों सिस्टम में कनेक्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हो दोनों वायर स्पीकर की कनेक्ट हो गई है। उसके बाद इसके अंदर बेस टेबल की वायरिंग भी देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाला सिस्टम है, ये प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक ये ग्राउंड का पॉइंट, और ये 12 वोल्ट। ये प्लस वाला ऊपर लगा हुआ है। अपने पास दो तरीके के PCB है इसमें, जिसमें ये प्लस वाला ऊपर है, फिर उसके बाद ये ग्राउंड जो है वो उसके बीच में, फिर ये माइनस है। अगर आपका इस तरीके से है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस वाला ऊपर लगाइए, माइनस वाला नीचे, और उसके बीच में अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड उसके बीच में। ग्राउंड पूरे में घुमा हुआ होता है हमेशा, ये ध्यान रखना आप, ये पूरे में घूम के जाता है ग्राउंड। तो ग्राउंड को आप देख के प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस ऊपर माइनस नीचे, और यहाँ पर हो गई ये 12 वोल्ट। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये ग्राउंड है इसका, ये 5 वोल्ट है जो ये कार्ड ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इनपुट है लेफ्ट राइट, बीच में ग्राउंड, और यहाँ पे ये इसका आउटपुट है। ये दोनों मैंने कॉमन कर दिए क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं मोनो चला रहा हूँ। अगर मैं स्टूडियो चला रहा होता तो ये दोनों अलग अलग रखता मैं। तो चलिए अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, फिर देखते किस तरीके से ये चल रहा है। तो अब अगर वोल्टेज की बात करूँ तो मैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 67 और अगर 12 वोल्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लगा करके 12 वोल्ट पे 12.1 पे ये आपको दे रही है
66 066। तो चलिए अब हम एक बार इसके अंदर लोड डाल, तो चलिए गाइस अब लोड डाल के मैं एक बार इसे चेक करते हैं कितनी होती है इसके अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे जो मेरी इनपुट वोल्टेज है वो अराउंड 10 के आसपास रह जा रही है, इस वजह से इसके यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। जब आपकी वहाँ की वोल्टेज कॉन्सटेंट, जब आपकी वहाँ की वोल्टेज कॉन्सटेंट हो जाएगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वोल्टेज कॉन्सटेंट हो जाएगी। बाकी आपकी जो ये पावर सप्लाई है ये पूरे 1000 वाट तक आपका लोड संभाल सकती है। इसके अंदर जो मैंने अभी पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट 30 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत ड्रॉपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।